मित्रों, होलिका दहन के दिन आपको पांच बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना आपके साथ अनिष्ट हो सकता है, आपके जीवन में आपके लिए खतरा बढ़ सकता है। नंबर एक, होलिका दहन के दिन कोई भी मंगल कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि कोई भी मंगल कार्य हो नहीं करने चाहिए। नंबर दो, जो विवाहित नए जोड़े हैं, लड़का लड़के जिनकी नई शादी हो, उनको भी होलिका दहन की झलक नहीं देखनी चाहिए। नंबर तीन, जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको भी होलिका दहन की झलक नहीं देखनी चाहिए। नंबर चार, होलिका दहन के दिन जो बाहर वाले व्यक्ति है उनसे ना तो आपको सफेद वस्तुएं लेनी है, ना उनके घर का भोजन लेना है, ना उनके घर का पानी लेना है, सिर्फ अपने घर का ही भोजन पानी लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और सफेद वस्त्र भी धारण ना करें होलिका दहन के दिन। नंबर पांच, होलिका दहन के दिन अपने घर की महंगी महंगी वस्तुएं कोई भी कैसी भी बाहर वाले व्यक्तियों को ना दें, और ना होलिका दहन के दिन किसी भी दूसरे व्यक्तियों को, बाहर वाले व्यक्तियों को पैसे उधार दें। इन पांच बातों का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है होलिका दहन की जो अग्नि होती है ये चिता के रूप में जलाई जाती है, तो इसलिए होलिका दहन का बुरा प्रभाव पड़ सकता है, उनके जीवन में खतरा बढ़ सकता है, इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। इन पांच बातों का होलिका दहन के दिन जरूर ध्यान रखें।